बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट टू है। एक्सरसाइज 5.1 लेक्चर नंबर 48 में हमने एग्जांपल और डिफिनीशंस की है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ये लेक्चर नंबर 49 है। आप इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपका कंसेप्ट यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, डिफरेंस, कम्प्लीमेंट क्लियर नहीं है तो पहले इसका पार्ट वन देखें। अब हम क्वेश्चन वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन में थ्री सेट्स गिवन है। फर्स्ट सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में 0, 1 है। सेट सी में 1, 3 एंड 5 है। इसका हमें ए यूनियन बी लेना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट लिखें 1, 2, 3, यूनियन बी है 0 एंड 1 इज इक्वल टू। यूनियन में आपने या सेट ए में से एलिमेंट लिखने हैं या सेट बी में से, दोनों में से एक एलिमेंट नहीं लिखना। यानी यहाँ पे देखें 1, 2, 3 तो आप लिखेंगे 1, 2 एंड 3। 1 ऑलरेडी यहाँ पे आपने इस सेट में से लिखा है इसलिए आप यहाँ पे नहीं लिखोगे और साथ ये 0 लिख लो। तो ये आपके पास 4 एलिमेंट्स आ गए। अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहते हैं तो 0, 1, 2, 3 इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। ये आंसर भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सेकंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए 1, 2, 3 इंटरसेक्शन बी 0 एंड 1। इंटरसेक्शन की डिफिनीशन के मुताबिक वो एलिमेंट जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी, वो इंटरसेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सिर्फ हम ये लिखेंगे। यानी इसमें हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में हो। ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 यूनियन सी, सी है 1, 3 एंड 4 इज इक्वल टू। यूनियन मीन्स आपने या तो सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं या सी के। सेट ए में है 1, 2, 3। अब 1 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने सेट ए में से इसको लिखा हुआ है। 3 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने सेट ए में से 3 लिखा हुआ है। 4 इसमें नहीं है तो आप यहाँ से लिख लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 ये इसका यूनियन है। यूनियन का मतलब भी इकट्ठा करना है। हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा किया लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं होती। 1 जब एक दफ़ा आ गया है तो फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट की डिफिनीशन ये है कि सेट में एक एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होती। ए इंटरसेक्शन सी, ए इज 1, 2, 3 इंटरसेक्शन सी, सी इज 1, 3 एंड 4। इंटरसेक्शन मीन वो एलिमेंट जो सेट ए में भी हो और सेट सी में भी हो। वो हमारे पास 1 है और 3 है, ये दोनों सेट ए में भी है और सेट सी में भी है। बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स हैं 0, 1 यूनियन सी, सी है 1, 3, 4। 0 और 1 हम सेट बी में से लिख लेंगे। अब जब एक दफ़ा आपने 1 लिख लिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, सेट सी में से आप इसको नहीं लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और 4। तो हम या तो सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे या सेट बी के, तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे लेकिन कोई भी एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन ए, दोनों सेट एक ही हैं, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 1, 2, 3। वो एलिमेंट जो सेट ए में भी है और इस दूसरे सेट ए में भी है, तो 1
टू एंड थ्री, यानी वन टू थ्री, वन टू थ्री दोनों में है, तो आपने इसको कंबाइन करके लिखना है। इसमें से भी वन लिखना है, टू इसमें से भी लिखना है, और थ्री इनमें से लिखना है, क्योंकि ये वन टू थ्री दोनों एलिमेंट्स में कंबाइन है, तो इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। कि आप जिस एलिमेंट्स को लिखेंगे वो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेट ए हैं, तो आप जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं वो तमाम के तमाम इन इस ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। अब क्वेश्चन टू है, इसमें हमें डिफरेंस फाइंड करना है, ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। सेट ए में जो एलिमेंट है वो वन थ्री फाइव सेवन है, सेट बी में है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी को आप कह सकते हैं ए माइनस बी, यानी ए के एलिमेंट में से बी को माइनस करना है। ए के एलिमेंट है वन थ्री फाइव सेवन माइनस, आप इसमें ये माइनस सिंबल भी लगा सकते हैं और इस तरह ये लाइन भी लगा सकते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। ए डिफरेंस बी का मतलब है कि ए के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो बी में नहीं है, उसको ए डिफरेंस बी कहते हैं। लिखना है ए के एलिमेंट वन लिखना है कि वो वहाँ पे नहीं है, तो आप वन लिख लो, थ्री यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये नहीं लिखना, इस पर मैं इस तरह हल्का सा क्रॉस लगा दे, फाइव यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये भी नहीं लिखना, सेवन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये भी नहीं लिखना। इसका मतलब है कि ए डिफरेंस बी में ओनली वन आएगा। अब बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए या बी माइनस ए, बी के अब एलिमेंट्स पहले लिखेंगे वो है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, डिफरेंस ए वन थ्री फाइव एंड सेवन। अब बी के उन एलिमेंट्स को नहीं लिखना जो वहाँ पे है, थ्री यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, ये नहीं लिखना, क्रॉस कर, फोर यहाँ पे है लेकिन वहाँ पे नहीं है तो फोर लिखूँगा, फाइव यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, ये नहीं लिखूँगा। अब सिक्स है, सिक्स वहाँ पे नहीं है तो इसे लिख लूँगा, सेवन वहाँ पे है ये नहीं लिखूँगा, और एट लिख लूँ। तो ये है बी डिफरेंस ए, और ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए इससे अलग वैल्यू आती है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब है ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ए के एलिमेंट लिखूंगा ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, डिफरेंस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ए के उन एलिमेंट्स को नहीं लिखना जो वहाँ पे है, ज़ीरो यहाँ है वहाँ नहीं है तो ज़ीरो लिखूँगा, प्लस माइनस वन, अब माइनस वन तो वहाँ पे मौजूद है इसलिए वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन आप लिखेंगे, प्लस माइनस टू, तो माइनस टू तो वहाँ पे है वो नहीं लिखेंगे, वो प्लस टू लिख लेंगे। प्लस थ्री एंड माइनस थ्री, तो माइनस थ्री दोनों जगह पर है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस थ्री लिख लें। ये है ए डिफरेंस बी। अब बी डिफरेंस ए, बी के एलिमेंट अब फर्स्ट लिखेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, डिफरेंस ए ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे है लेकिन वहाँ पे भी है, ये नहीं लिखूँगा, माइनस टू यहाँ पे है
यहाँ पे भी है, ये भी नहीं लिखूँगा। -3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये भी नहीं लिखूँगा। इसका मतलब है कुछ नहीं लिखूँगा, ये एम्प्टी सेट है। यानी ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। थर्ड जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, ये ख़त्म ना होने वाले सेट है। पहले हम ए डिफरेंस बी लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, डिफरेंस बी है 1, 3, 5 and 7 और इस तरह ये सो ऑन। ए के तमाम एलिमेंट्स ये नेचुरल नंबर हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ ऑड नंबर है। तो आप देखें यहाँ पे 1 है 1 है, आप नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पे है लेकिन वहाँ पे नहीं है तो आप ये लिखेंगे। 3 वहाँ पे है तो नहीं लिखेंगे। 4 वहाँ पे नहीं है तो लिखेंगे। इसके बाद 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नेचुरल नंबर है। 5 वहाँ पे भी है तो नहीं लिखेंगे। 6 वहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर है तो 6, इस तरह 8 आ जाएगा, 10 आएगा और ये इस तरह चलता रहेगा। यानी इसमें तमाम नेचुरल नंबर है जिसमें इवन भी शामिल है, ऑड भी शामिल है, इसमें सिर्फ ऑड है। तो जब इस नेचुरल नंबर में से ऑड माइनस होंगे तो देखें इवन रह गए। अब है बी डिफरेंस ए। बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, इसके बाद आएगा 9, 11, ये तमाम एलिमेंट्स। डिफरेंस ए के एलिमेंट्स तमाम नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। 1, 3, 5, 7 ये तमाम यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि इसमें ऑड भी शामिल है और इवन भी। तो 1, 3, 5, 7 ये तमाम इसमें है, 1 भी है, 3 भी है, फिर इसके बाद 7 भी आएगा, 9 भी आएगा। इसका मतलब है कि इसके तमाम एलिमेंट वहाँ पे हैं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी एम्प्टी सेट। यहाँ पे भी ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। जहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि मैंने यहाँ पे +1, +2, +3 लिखा है, अगर आपकी बुक में या आपके टीचर ने आपको इस तरह लिखाया है कि 1, 2, 3 तो ये भी ठीक है। +1, +2, +3 ना भी लिखें अगर आप इसके साथ प्लस, क्योंकि जहाँ पे प्लस ना लिखा हो उसका मतलब ही होता है कि वहाँ प्लस है। तो ये इस तरह लिखना या इस तरह लिखना एक ही बात है। ये सिर्फ प्लस इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आ सके कि यहाँ पे प्लस माइनस थे तो माइनस इससे कैंसिल हो गए, सिर्फ प्लस रह गए, वरना सही लिखने का तरीका यही है। अब है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में एक यूनिवर्सल सेट है जो 1, 2, 3, 4 up to 20 है। यूनिवर्सल सेट इन तमाम सेट्स में जो इस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ये बड़ा सेट है। इस यूनिवर्सल सेट को मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया कि ये वो सेट होता है जो हमारे इस वक्त क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है, जिससे हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये यूनिवर्सल है। ए जो सेट है, बी सेट है और ये सी, ये इसी के सब सेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के। एम्प्टी सेट भी इसका सब सेट है। अगर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हो कि एम्प्टी सेट इज़ द सब सेट ऑफ एवरी सेट। ए सेट में इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6 up to 20 तक। बी सेट में ऑड नंबर है 1, 3, 5 up to 19। सी एम्प्टी सेट है जिसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं और इस तरह भी। अब हम ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट्स करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट्स मीन ए कम्प्लीमेंट, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और ए के ऊपर सी लगा लेंगे। ए कम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए, यू के एलिमेंट में से ए को माइनस करना। तो यू है 1, 2, 3 up to 20
माइनस ए, ए इज 2, 4, 6 अप टू 20। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखिए इस यूनिवर्सल सेट में तमाम नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to 20। सेट ए में सिर्फ इवन नंबर हैं अप टू 20। तो हम यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो उसमें नहीं है, वहाँ पे तमाम इवन नंबर हैं तो हम सिर्फ इसमें आड नंबर लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे क्योंकि उसमें नहीं है, 2 देखें इवन है उसमें है, फिर 3 लिखेंगे क्योंकि उसमें आड नंबर नहीं है, फिर 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 वहाँ पे है, 5 लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे नहीं है, 6 फिर वहाँ पे है, फिर 7 लिखेंगे और लास्ट टर्म हम 19 लिखेंगे क्योंकि 20 वहाँ पे है। तो हमने इस पूरे नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 में से इवन नंबर को निकाल लिया फ्रॉम 1 to 20 और आर नंबर रह गए फ्रॉम 1 to 20 जो इसमें ये आता है 1, 3, 5, 7 फिर 9 फिर 11, 11 के बाद 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19। बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी, यू के वही एलिमेंट्स है 1, 2, 3 अप टू 20 माइनस बी। अब बी हमारे पास आर नंबर है 1, 3, 5 अप टू 19। अब इसमें 1 to 20 तमाम नंबर शामिल है, नेचुरल नंबर है तो इसमें इवन भी शामिल है आड भी शामिल है, वहाँ पे सिर्फ आड है यानी इसमें से वो आड माइनस होंगे, देखिए 1 वहाँ पे भी है यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, 2 वहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, फिर 4 नहीं है, फिर 5 है नहीं लिखेंगे, फिर 6, फिर 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 यहाँ पे आएगा इसके बाद, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 यहाँ पे है, 10 लिखेंगे और इस तरीके से अप टू 20 हम लिखेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस सी, यू के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 20। माइनस सी एम्प्टी सेट है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इस तरह इसका सिंबल भी आप डाल सकते हैं। तो सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये तमाम एलिमेंट मैं लिखूंगा क्योंकि वहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 1, 2, 3 अप टू 20 क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस सी, यू में से मैं सी को माइनस करूंगा तो वहां पे तो कुछ है नहीं कि मैं माइनस करूं, तो यही वैल्यूज दोबारा लिख लूंगा। अब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट है 1, 3, 5, 7 अप टू 19 यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट इज 2, 4, 6, 8 अप टू 20 इसका यूनियन लिखेंगे। तो अगर देखें यहाँ पे आपके पास आड नंबर है, यहाँ पे इवन है, हम इसको कंबाइन भी कर लेंगे क्योंकि यूनियन का मतलब कंबाइन है, इसको तरतीब से भी लिख लेंगे, 1 पहले लिख लेंगे, 1 के बाद मैं ये इसका वाला 2 लिख लूँगा, इसमें से 3 लिख लूँगा, वहाँ पे से 4 लिख लूँगा, यहाँ 5, यानी एक एलिमेंट वहाँ से लूँगा, एक एलिमेंट यहाँ से और ये अप टू 20 तक आएगा, 19 यहाँ से लूँगा और 20 वहाँ से लूँगा। तो इसमें ये तमाम एलिमेंट्स आ गए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखें फिर वही यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इन्हीं दो का इंटरसेक्शन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में है 1, 3, 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट है 2, 4, 6 2, 4, 6 अप टू 20। इंटरसेक्शन मीन जो दोनों सेट में हो, यहाँ पे तमाम आड नंबर है, वहाँ पे तमाम
इवन नंबर है, यहाँ पे वन है तो वहाँ वन नहीं है, वहाँ पे टू है तो यहाँ टू नहीं है, इसका मतलब है कि इससे एम्प्टी सेट आएगा, इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 5 7, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 5 7 अप टू 19, इंटरसेक्शन बी, बी के एलिमेंट्स भी यही हैं 1 3 5 7 अप टू 19, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसके जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे भी है, तो ये दोनों, इन दोनों सेट में तमाम एलिमेंट्स कंबाइन है, तो आप लिखो कि 1 3 5 7 अप टू 19, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे है वो वहाँ पे भी है। अब सेवन पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 1 3 5 7 अप टू 19, फिर यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 3 अप टू 20, 1 2 3 अप टू 20। अब इसमें हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5 अप टू 20, ये तमाम एलिमेंट्स अगर मैं लिख लूँ अप टू 20, तो ये इसमें आ जाते हैं ना कि 3 भी इसमें मौजूद है, इसके बाद 5 भी होगा, 7 भी होगा, 19 भी होगा, तो हम जब यूनियन लिखेंगे तो इस सेट को लिख लेंगे, ये तमाम इसमें ऑलरेडी मौजूद है, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इज 2 4 6 अप टू 20, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट 1 to 20 है, 1 2 3 अप टू 20। अब इसमें यहाँ पे 2 है, दोनों में है तो 2 लिखेंगे, फिर 4 यहाँ पे भी है वहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है, अप टू 20 तक तमाम नंबर इसमें मौजूद है, तो 4 लिखेंगे। अब इसके बाद 6 है, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, फिर 8 भी इसमें होगा, फिर 10 भी होगा, और आखिर में 20। यानी जब आप इंटरसेक्शन लिख रहे हैं तो ये अगर आप देखें तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं वह यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसमें तो 1 3 5 7 भी है, आर नंबर भी है, वो यहाँ पे नहीं है, तो हम ये वाला सेट इंटरसेक्शन में लिख लेंगे, इसके तमाम एलिमेंट उसमें कॉमन हैं, तो हम ये कॉमन एलिमेंट इसमें लिख लेंगे। फिर है सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट ये है 1 2 3 अप टू 20, इंटरसेक्शन सी, सी इज एम्प्टी सेट, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। अब लास्ट पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ये है 2 4 6 अप टू 20, ये तमाम इसमें आ जाते हैं 8 10 12, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट ये है 1 to 20, 1 2 3 अप टू 20। अब यूनियन का मतलब होता है कि तमाम नंबर को इकट्ठा करें, यानी देखें यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, तो अब अगर हम कंबाइन करके लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 20, क्योंकि यूनियन का मतलब है कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट इकट्ठे करके लिखें, लेकिन जो एलिमेंट एक दफ़ा आ चुका है, यानी मैंने अगर यहाँ से 2 लिया है, तो
तो अब ये टू यहाँ नहीं लिखूंगा। अगर वहाँ से मैंने फोर लिया है तो फोर अब यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है, इसका यूनियन कर लिया है, इसको मुत्तहिद कर दिया है, इसको एक साथ इकट्ठा कर दिया है। लेकिन या इसके एलिमेंट लिखूंगा या इसके, तो ये बड़ा सेट है, जब मैं लिख लूंगा तो ये तमाम जो एलिमेंट होंगे वो खुद ही इसमें आ जाएंगे। इसलिए यूनियन में हम बड़ा सेट लिख लेते हैं, वो छोटा सेट उसमें खुद ही आ जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15। आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 15 तक नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, up to 15। सेट ए गिवन है, सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 15। इवन नंबर में हम लिख लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 or 15 नहीं लिखें क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है। सेट पी है सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 15, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15, ये तमाम सेट बी है। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसके लिए पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए। यू के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, up to 15 माइनस ए। ए हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी यू के तमाम वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है। तो ए में अगर आप देखें तो सिर्फ इवन नंबर है, और यहाँ पे इवन भी है और ऑड भी है, तो हम इवन नहीं लिखेंगे बल्कि ऑड लिखेंगे। 1 लिख लूँगा, 2 नहीं लिखूँगा, फिर 3 लिख लूँगा, फिर 4 नहीं लिखूँगा, 5 लिखूँगा, 5 के बाद 6 नहीं लिखूँगा, 7, 7 के बाद 9, 11, 13 and 15। ये तमाम एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर, बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस बी। अब यू के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, up to 15 माइनस बी हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15। अब बी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो वहाँ नहीं है और सिर्फ इसमें है। तो देखें वहाँ पे 1 है, 2 नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं है, 2 लिखूँगा, 3 फिर वहाँ पे है, 4 नहीं है, फिर 5 है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10, 12 और 14। ये तमाम इसका बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसमें से ये कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको मैं अलहदा लिख लेता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का जो लास्ट रिजल्ट है वो ये है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 and 15। बी कॉम्प्लीमेंट 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2, 4, 6 और डैश डैश डाल के 14 लिख लें। मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए तमाम एलिमेंट्स लिख दिए। अब हमने अपने पार्ट स्टार्ट करने, फर्स्ट पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज 1, 3, 5, 7, अब इस तरह मैं डैश डैश से लिख लेता हूँ, अप टू 15 यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट इज 2, 4, 6,
और ये 14 इज इक्वल टू। अब देखें यूनियन है, यहाँ पे तमाम आड नंबर है, यहाँ पे तमाम इवन है। आप इसको कंबाइन कर लेंगे, वन यहाँ से ले लूँगा, टू वहाँ से ताकि तरतीब से आए, थ्री यहाँ से ले लूँगा, फोर यहाँ से, फिर फाइव यहाँ से लूँगा और सिक्स वहाँ से। इस तरह एक आड यहाँ से आता रहेगा और एक इवन यहाँ तक, तो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू 15 ये तमाम आ जाएंगे। ये इसका पार्ट वन है। पार्ट टू में इसका इंटरसेक्शन है, तो वही एलिमेंट्स हैं जो मैंने यूनियन में लिखे थे, लेकिन अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन मीन कि इसमें कंबाइन क्या है, कामन क्या है। तो देखें यहाँ पे वन है, वहाँ पे टू है, यानी यहाँ पे तमाम आड नंबर है, वहाँ पे तमाम इवन नंबर है, इसलिए इसमें कुछ भी कामन नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट जिसको कहते हैं, ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट। तीसरा पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस यू, इस तरह ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट्स मीन यू माइनस बी, यू कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए, यानी यू में से यू को माइनस कर दें। यू है वन टू थ्री अप टू 15 माइनस, फिर यू है तो वन टू थ्री अप टू 15, तो वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ख़त्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पे भी है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो वहाँ पे नहीं है, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो वहाँ पे नहीं है। पार्ट फोर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस एम्प्टी सेट। तो यू के एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री अप टू 15 माइनस एम्प्टी सेट, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमने इस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो वहाँ नहीं है, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यही लिखेंगे वन टू थ्री अप टू 15। पार्ट नंबर फाइव में हमने B का और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो B तो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये B है इंटरसेक्शन। B कॉम्प्लीमेंट ये है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आप देखेंगे कि जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे भी हैं, तो यानी हर एक एलिमेंट उसमें भी मौजूद है, तो इसका इंटरसेक्शन यही आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15। पार्ट सिक्स B और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। B है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 यूनियन। B कॉम्प्लीमेंट ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14। यूनियन का मतलब है कि कंबाइन करके लिख लें, इसके एलिमेंट भी लिखें, इसके भी एलिमेंट लिखें, लेकिन एक एलिमेंट दो दफ़ा नहीं लिखना। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि पहले इसके एलिमेंट लिख लूं, फिर इसके लिख लूं, या अगर मैं तरतीब से लिखना चाहूं तो वन यहां से ले लेता हूं, टू यहां से ले लूँगा, थ्री यहां से, फोर वहां से, फिर फाइव यहां से और सिक्स यहां से, फिर सेवन एट नाइन टेन इलेवन 12, 13, 14 and 15। तो यानी आठ नंबर यहाँ से लिए और इवन यहाँ से लिए। सेवन पार्ट है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14।
इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15. अब इसमें इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में कॉमन हो, तो ये तमाम इवन नंबर है और ये ऑड है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट। पार्ट 8, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ए के एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका यूनियन लिखना है तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट कंबाइन कर लेंगे तो ये एक ही जैसे एलिमेंट हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 लिख लेंगे। अब इनको दोबारा इसमें से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनियन में हमने या इसके एलिमेंट्स चूज़ करने होते हैं या इसके भी। 2 दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, 4 दो दफ़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन नहीं होती, ये सेट की डिफिनीशन है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 49 था। इसके बाद लेक्चर नंबर 50 से हम अगली एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल करेंगे और फिर एक्सरसाइज।